हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन द, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग। तो इसका राइट आंसर है सी, लीवर। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया CO2 के साथ कंबाइन होकर लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन करती है और इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल कहते हैं। इन मैमल्स अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द, मैमल्स में मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाली अमोनिया यूरिया में कहाँ कन्वर्ट होती है, किडनी, लीवर, स्प्लेन, ब्लड या फिर लिम्फ। तो इसका राइट आंसर है बी, लीवर। तो लीवर में डी एमिनेशन होता है जिसमें अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है जिससे अमोनिया बनता है और ये अमोनिया CO2 के साथ मिलकर यूरिया बनाता है एंड इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन रोटिफर्स आर, रोटिफर्स में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड, मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स, फ्लेम सेल, गिल्स या फिर किडनी। तो इसका सही आंसर है सी, फ्लेम सेल्स। रोटिफर्स में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमंस इज सिंथेसाइज्ड, ह्यूमन में बनने वाला मुख्य नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड कहाँ बनता है, इन किडनी बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लीवर, इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय किडनीज, इन किडनी एंड आल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनीज। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर है डी, लीवर में बनता है और किडनी द्वारा एलिमिनेट होता है। तो लीवर में जैसे कि हमने बताया था ऑर्निथिन साइकिल चलती है जिसका फॉर्मूला होता है 2 ammonia + CO2 + 3 ATP इज इक्वल टू यूरिया प्लस वाटर प्लस 3 ADP। तो इस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं जिसमें कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का फॉर्मेशन करता है। द ऑर्निथिन साइकिल अकर्स इन द, ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होती है, हीपेटोसाइट्स, एपिडोसाइट्स, ओस्टियोसाइट या फिर हिस्टियोसाइट। तो इसका राइट आंसर है ए, हीपेटोसाइट्स, जो कि लीवर में पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूरियोटेलिक, इनमें से कौन यूरियोटेलिक नहीं है, मैमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट या फिर बर्ड्स। तो यूरियोटेलिक मीन्स एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी एंड डी, क्योंकि एक्वेटिक इंसेक्ट आर एमोनोटेलिक जबकि बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक, क्योंकि बर्ड्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करती हैं जबकि एक्वेटिक इंसेक्ट एमोनोटेलिक होते हैं, जबकि मैमल्स एंड टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस आर यूरियोटेलिक। स्नेक अ टेरिस्ट्रियल एनिमल डैट एक्सक्रीट्स नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड, स्नेक जो कि एक टेरिस्ट्रियल एनिमल है नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इसे कहते हैं यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, एमोनोटेलिक या फिर नॉट कन्फर्म्ड फॉर एनी टाइप। तो इसका राइट आंसर है ए, यूरिकोटेलिक। तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के फिनोमिना, स्नेक अ टेरिस्ट्रियल एनिमल डेट एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड, स्नेक जो कि एक टेरिस्ट्रियल एनिमल है नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इस फिनोमिना को कहते हैं यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक,
एमोनोडेलिक या फिर नॉट कंफर्म फॉर एनी टाइप। तो इसका राइट आंसर होगा ए यूरिकोटैलिक। तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है और इनके अंदर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आती हैं, क्योंकि ये सभी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिकोटैलिज्म इज फाउंड इन, इनमें से किसमें यूरिकोटैलिज्म पाया जाता है? मैमल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, फिशेस एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस, फ्रॉग्स एंड टोड्स। तो इसका राइट आंसर बी बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, ये तीनों यूरिकोटैलिज्म होते हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग सही है। तो पहला ऑप्शन है लेबियो या रोहू, जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है। इसमें दिया है नेफ्रिडियल ट्यूब्स एंड अमोनिया। तो ये गलत है क्योंकि लोबियो में किडनी पाई जाती हैं, ना कि नेफ्रिडियल ट्यूब्स, एंड इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमोनिया होता है। बी है सेलामेंडर, जो कि एक एम्फीबियन है, इसमें किडनी पाई जाती है एंड इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। तो ये सही दिया हुआ है। सी है पीकॉक, जो कि एक बर्ड है और इसमें किडनी पाई जाती है एंड इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, ना कि यूरिया। तो ये भी गलत है। एंड डी है हाउस फ्लाई, जो कि एक इंसेक्ट है और इसमें मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ना कि रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी सेलामेंडर, जो कि एक एम्फीबियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन, इनमें से क्या है जो कि ह्यूमन यूरिन में एक्सक्रीट होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमीनो एसिड। तो इसका सही आंसर है बी यूरिया, क्योंकि ह्यूमन आर यूरियोटैलिक। यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स एंड एनिलिड्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स या फिर इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस। तो इसका सही आंसर आप जानते होंगे ए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर यूरिकोटैलिक, क्योंकि ये दोनों यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेट। तो हमें देखना है कि इनमें से किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन सही दिया है। तो इसका राइट आंसर है बी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में फेरिंजियल, इंटेग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। दिस इज नॉट अ नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनमें से कौन एक नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है? क्रिएटिनिन, प्यूरिन, एलेंटोइन या फिर सिट्रुलिन। तो इसका सही आंसर है डी सिट्रुलिन। सिट्रुलिन एक अमाइनो एसिड है जो कि ऑर्निथिन साइकिल के समय बनता है। द नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड बाय। अमाइनो एसिड से नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनने की कौन सी साइकिल होती है? कैल्विन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रैब साइकिल। तो इसका सही आंसर है सी ऑर्निथिन साइकिल, जो कि लीवर में चलती है, जिसमें अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। तो ये आप जानते होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो करेक्ट मैचिंग पेयर। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा मैचिंग सही दिया है। तो पहला है मैन यूरियोटैलिक। तो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि मैन यूरियोटैलिक होता है, क्योंकि मैन यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। बी दिया है बर्ड्स एमोनोटैलिक, ये गलत है क्योंकि बर्ड्स आर यूरिकोटैलिक। ये आप जानते होंगे कि बर्ड्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करती हैं। देन सी फिश
यूरिकोटैलिक, तो ये भी गलत है क्योंकि फिश आर आइदर एमोनोटैलिक और आइदर यूरियोटैलिक। जो फिश फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं वो एमोनोटैलिक होती हैं एंड जो मैराइन में पाई जाती हैं वो यूरियोटैलिक होती है। एंड फ्रोग यूरिकोटैलिक, ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि फ्रोग एक एम्फीबियन है और ये यूरियोटैलिक होता है। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, तो इनमें से यूरिक एसिड किसका मुख्य नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग या फिर मैन? तो इसका सही आंसर है बी कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच एक यूरिकोटैलिक है क्योंकि इसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है एंड ये इंसेक्ट है। द करेक्टरिस्टिक डैट इज शेयर्ड बाय यूरिया यूरिक एसिड एंड अमोनिया इज, तो इनमें से यूरिया यूरिक एसिड एंड अमोनिया में क्या कॉमन है? दे आर नाइट्रोजिनस वेस्ट, दे ऑल नीड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, दे आर ऑल इक्वली टॉक्सिक, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। तो इसमें से केवल इसका ए स्टेटमेंट सही है, दे आर नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सभी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ए ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्निथिन साइकिल, इनमें से कौन से अमाइनो एसिड ऑर्निथिन साइकिल में मुख्य भूमिका निभाते हैं? इसका सही आंसर है सी ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन। दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गिव्स फिशेस देयर डिस्टिंक्टिव स्मेल, इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फिश को एक विशेष स्मेल देता है? अमोनिया, एलेंटोइक एसिड, ट्राई मिथाइलामीन ऑक्साइड या फिर हिपोरिक एसिड? तो इसका सही आंसर है सी ट्राई मिथाइलामीन ऑक्साइड, जिसे TMAO भी कहते हैं। ये इनकी बॉडी में वाटर लॉस को कम करने के लिए पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं? यूरिया ऑक्सीजन एंड N2, यूरिया अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया यूरिया एंड क्रिएटिनिन या फिर नाइट्रोजन यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर है सी अमोनिया यूरिया एंड क्रिएटिनिन, जिसमें से अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, देन उसके बाद यूरिया, देन उसके बाद यूरिक एसिड एंड लास्ट में क्रिएटिनिन, जो कि सबसे कम टॉक्सिक होता है एंड ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म द्वारा मसल्स में बनता है।